जिस दिन पता लग जाए कि दरबार साहब की हदूद अंदर पुलिस ने टकसाल ते पंथ के मुखी संत बहादुर चंद सिंह जी लौंगोवाल ते इस स्थान की बेअदबी करने वास्ते ते सारिया नू खत्म करने वास्ते हमला कर दिता है। मैं दृढ़ता सहित अपनी जिम्मेवारी नाल गल कहनी चाहुंदा, किसी दे जुम्मे ला के नहीं, कि जितने नौजवान ते बजुर्ग जो कुछ कर सकते हो, जेड़े सिख वखरी कौम की विरोधता विच लगे हुए हैं, सिखी स्वरूप नू भैड़ी निगाह नाल तक के ते फिरका प्रस्ती फैलाउण विच लगे हुए हैं, जेड़े सिखां दा खून पीण ते तुले हुए हैं, जिस दिन इत्थे हल्ला कर देण तुहानू पूरी तसली हो जाए कि इन्होंने हमला किया है, उस दिन मैं समझांगा तुहाडा सतगुरु ग्रंथ साहिब जी ते निश्चा ते दास नाल प्यार तां होवेगा जे शहरां ते पिंडां विचों एक एक गुरु का गुरु ग्रंथ साहिब दा निंदक चुन चुन के मारोगे तां सवाल आउणा। मशहूर शेर है जिसे मैंने ही लिखा है, जिसे बनाया था जान हमारी वो हमें बेजान कर गए। एक मशहूर कहावत है दोस्तों, सांप को जितना भी दूध पिलाओ वो काटेगा ही। एक कहावत और भी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढा में गिरता है। अब आप कहोगे कि इतने कहावत क्यों, तो लो एक और मुहावरा भी सुनो, आस्तीन का सांप। कुछ समझ में आया, कैसे हैं आप लोग? ऐसे कई और है, सबका मतलब अगर देखा जाए तो एक ही है, सारे मुहावरों का, सारे शेरों का, जितने भी मैं अभी तक सुना चुकी हूँ, अपनी मुसीबत स्वयं खड़ी कर लेना। जैसे आप जो आपको सुनाऊंगी आज, मैं इसे सुन लेने के बाद आप भी यही कहेंगे फिर से, वाह इंदिरा वाह। चुक देंगे नगे चला कर रखे कितने इन दिन तुम चुके लिया है, वह कितों लिया चुक के ते गां रखने कितने है, वह भैं नंगिया कर दतिया, इष्ट की प्यारी कर दी, सरूप सार दिता, निशान साहब दिल्ली च वढ़ दिता, गुरुद्वारा ढा दिता, सरूप चुक के सड़क से सुट दिता, निर्दोष सिंह मार दिते, भैणा नंगिया करके दाओ के पिंड तोड़िया गया, कल खुर्द थाने के बीबी नंगा करके पिता परपाया गया, मरतारी सिंह ने मूँह तमाकू फूकया गया, नौजवान विद्यार्थियों नज़रबंद किया गया, पट चीर के लून भरया गया, तो फते चुकने कदों है, ये सानू आन के कह दें एक रात प्रेमी आ गया, बाबा जी फलाने का सरूप में अग ला दी, मैं तू कि आला जी मैं कोल ही है, तो मैं हम तेनू ला दिया तो चंगे में रहेंगे, तू मैं दसना है गुरु का सिख नहीं सी तेरे यात्रा कृपान है, सानू जी ने दर्शन होना, दो गल करके आया करो, सतगुरु ग्रंथ साहब का निंदक से धियां भैन भी एक तकन वाला कोई व्यक्ति होने मुआफ नहीं करना, बाकी सबर रखना जी, सतगुरु ग्रंथ साहब के निंदक चंगी तरह सोच के झटका के गड्डी चढ़ा के आया करो, तो असं सामभ्या करा। मैं अपने वालों भाई करतार सिंह जी तो भाई महेंद्र सिंह जी गुरमुख प्यारे बाकी नजारियों जिसे सारे का धनवाद करता हाँ, तो सारे सिंह बेनती करना कि प्यार सहित कट्ठे रहो, तो शस्त्रधारी होवो, नौजवान केस दौड़ा ना कटाया करो, तो शराब छड़ देवो, अमृत छक के प्यार प्रचार हो, बोलते कोई गलती होगी तो माफी बख्शो, वाहे तो आइए वह इंदिरा वाह की कहानी। बात 31 मई 1984 की है, आर्मी के 9 इन्फेंट्री डिविजनल कमांडर मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने शिमला जा रहे थे, सब कुछ टिकट से होटल तक अरेंज हो गया था, अचानक उन तक ट्रंक कॉल से एक सूचना पहुंचाई जाती है कि आप एट द अर्लीस्ट चंडीगढ़ पहुंचिए, देयर इज समथिंग वेरी सीरियस। कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय से था तो इग्नोर का तो कोई सवाल ही नहीं था, मेजर बरार अगली फ्लाइट से सब कुछ छोड़ छाड़ कर सीधा पहुंचते हैं चंडीगढ़। एक बेहद नाजुक स्थिति में था पंजाब उस वक्त, और तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं देश की लौ महिला इंदिरा गांधी जी उस नाजुक वक्त में एट एनी कॉस्ट सिचुएशन के अपने कंट्रोल में करना चाहती थी। इसी सिचुएशन कंट्रोल के ऑपरेशन की कमान संभालने के लिए मेजर बरार को उनकी छुट्टियां कैंसिल करके वापस बुलाया गया था। तो क्या था वो सिचुएशन, पता है आपको?
ऐसा क्या था वो सिचुएशन, किसने पैदा किया वो सिचुएशन और क्या वो सिचुएशन हैंडल हुआ, बताइए। तो आइए जानते हैं उस सिचुएशन हैंडल की कैजुअलिटी क्या थी, सब कुछ जानेंगे आज। और ये भी जानेंगे कि आखिर बात उस ऑपरेशन में ऐसी क्या बात थी कि 38 साल गुजर गए लेकिन आज भी हम उस सिचुएशन को याद कर रहे हैं और आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। मेजर बरार को कमान सौंपी गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ऑपरेशन ब्लू स्टार हाल ही में बीता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा इनहाउस ऑपरेशन जिसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी हुई है और इसके द्वारा दाग हिंदुस्तान के सीने में बहुत गहरे हैं। भारत में कई महत्वाकांक्षी लोग इस पदों पर किए गए, लेकिन अगर सबसे बड़े पद पर आगे आने वाला कोई सबसे महत्वाकांक्षी नाम है वो नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, जिसके कानों में बार बार बोला जाए उसकी महत्वाकांक्षा आसमान छूले इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। इंदिरा जी के अति महत्वाकांक्षी चरित्र का ही यह परिमाण था कि उनके सगे बेटे संजय गांधी के मृत्यु में भी तत्कालीन मीडिया ने उनकी संलिप्तता के तार जोड़े थे। खैर, आज विषय से नहीं भटकते हैं और बात करते हैं इंदिरा जी के उस महत्वाकांक्षा की जिसके लिए आज भी इस देश के एक बड़ी कीमत चुका रहा है। इंदिरा जी के कांग्रेस जब पूरे देश में अपना वर्चस्व बना रही थी तो उस दौरे में पंजाब उनके लिए एक चुनौती थी, जैसे आज भी है पर उस वक्त भी चुनौती थी। पंजाब और पंजाबियत का नेतृत्व कर रही शिरोमणि अकाली दल कांग्रेस के पंजाब में फलने फूलने के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर था। इंदिरा गांधी पंजाब में ही शिरोमणि अकाली दल के जन समर्थन में सेंग लगाने के लिए पंजाब का कोई चेहरा ढूंढ रही थी और उनकी खोज जाकर पूरी हुई संत जनरल सिंह भिंडरवाले पर। कौन था ये जनरल सिंह भिंडरवाले और कैसे बन सकता था ये शिरोमणि अकाली दल का एक विकल्प? जनरल सिंह भिंडरवाले खालिस्तान मूवमेंट का तत्कालीन पोस्टर बॉय था। उसके भड़काऊ भाषण सिख समुदाय में खूब वायरल हो रहे थे, जिसमें वो सिखों के लिए सिख लैंड यानी कि खालिस्तान की मांग कर रहा था। भिंडरवाले के बारे में बता दे कि वो अपने से पहले वाले खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थकों जैसा बिल्कुल नहीं था। वो बेहद क्रूर, हिंसक और बाय हुक एंड क्रुक के सिद्धांत पर चलने वाला एक व्यक्ति था। लेखक खुशवंत सिंह भिंडरवाले के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि एन एविल मैन हु डिजर्व्स टू डाई। अब जरा आपको खालिस्तान मूवमेंट के बैकग्राउंड में ले चलें। वीडियो को ध्यान से सुनिए, शेयर करते जाइए और ध्यान से समझते जाइए। इसकी शुरुआत कोई आज की नहीं है दोस्तों, बिना नाम के यह शुरू तो 1929 में ही हो गई थी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। पिताजी मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की ड्राफ्ट रखी जिसका विरोध सभा में मुख्यतः 3 लोगों ने किया था। अब वो 3 लोग जो विरोध करने वाले पहले व्यक्ति थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना का नाम तो सबने सुना होगा। दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भी जानते होंगे। और तीसरे थे मास्टर तारा सिंह। जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर देश में अपने समुदाय के लोगों के अधिकार की चिंता कर रहे थे, उसी तरह शिरोमणि अकाली दल के मास्टर तारा सिंह भी भारत में सिख समुदाय की चिंता में पूर्ण स्वराज के कल्पना को पचा नहीं पा रहे थे। खैर, बात बीती और आगे बढ़ी और आगे बढ़ा इनका अपना अपना एजेंडा। देश जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो जिन्ना अपने मुसलमानों के लिए नया देश बना गए और अंबेडकर संविधान के कई महत्वपूर्ण कानून जो दलितों को पिछड़ों और विकास की मुख्यधारा में ले जा सके, वहीं मास्टर तारा सिंह पंजाबी सूबा मूवमेंट भी सबके सामने आया। सबकी अपनी अपनी देन थी। क्या था पंजाबी सूबा मूवमेंट? लेकिन दरअसल इस मूवमेंट में भारत के अधीन रहकर भी सिखों के लिए भाषा के आधार पर एक अलग सूबा यानी कि राज्य बनाने की मांग हो रही थी। शुरुआत में तो इस मांग को सिरे से नकार दिया गया, लेकिन जैसे जैसे इसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई वैसे वैसे ये नए नए स्वतंत्र हुए भारत के लिए चिंता का विषय बनने लग गया। अलग राज्य, अलग जगह 1966 में आते हैं। इंदिरा की तत्कालीन सरकार ने इसका हल निकाला और पंजाब प्रांत को 3
हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा पंजाब बना जिसमें सिख मेजोरिटी थी, दूसरा हरियाणा बना जिसमें हिंदी भाषी मेजोरिटी थी, और तीसरा बना चंडीगढ़ जो केंद्र शासित था और पंजाब तथा हरियाणा की बनी राजधानी। इंदिरा गांधी जब पंजाब का यह बंटवारा पंजाबी सूबा मूवमेंट में शामिल लोगों को नहीं पसंद आया, किसी को अपना हिस्सा नहीं पसंद आया, तो किसी को ये शेयर्ड कैपिटल की थ्योरी पसंद नहीं आई। 1973 में इस मूवमेंट की बात करें तो 1973 में इस मूवमेंट के नेता एक रेजोल्यूशन लेकर आते हैं जिसका नाम होता है आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन में सरकार, भारत सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा जाता है कि स्टेट ऑफ पंजाब को ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए। ऑटोनोमस बॉडी यानी भारत सरकार के वित्तीय कोष से चलने वाला ऐसा राज्य जिसके पास अपने कंट्रोल की चाबी हो, या ये कहे कि उनका एक अपना संविधान हो। यह मांग इशारा था कि अब एक मूवमेंट पंजाब को दूसरा देश बनाना है की ओर बढ़ चुका है। 1980 में इस मूवमेंट को मिलता है एक सिख स्कॉलर और बाद में बना एक मिलिटेंट द पोस्टर बॉय ऑफ खालिस्तान मूवमेंट, संत जनरल सिंह भिंडरवाले। अब इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां पे हर कोई बोलता है, पूछता है खालिस्तान क्या है, जहां पे हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ये भिंडरवाला ग्रुप क्या है, ये भिंडरवाला कौन है, भिंडरवाला कहां से आया। इन सारे के बारे में अब हम बात करेंगे और आपको हर तह से इसके बारे में बताएंगे कि फिर क्या हुआ था। तो इसके बारे में हम फिर पार्ट 2 लेकर आएंगे और इसके बारे में और हम विस्तार से आपको बताएंगे। बाकी आप इस वीडियो को यूं ही बने रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, चैनल पे बने रहे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि लाऊंगी।